नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम स्टोरी नए एपिसोड। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया करता हूं कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 24 मई 2024, दिन शुक्रवार। मुंबई की सेशन कोर्ट में 13 साल पहले इगतपुरी के फार्म हाउस में हुई 6 लोगों की हत्या का फैसला सुनाया जाना था। यह 6 लोग थे बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस लैला खान, मां सेलिना खान 51 वर्ष, बहन अजमीना 32 वर्ष, जुड़वा भाई बहन इमरान और जारा दोनों 25 वर्ष, कजिन रेशमा 24 वर्ष। मुंबई से 130 किलोमीटर की दूरी पर इगतपुरी में एक्ट्रेस लैला खान का फार्म हाउस था। ये 6 हत्याएं फार्म हाउस में ही की गई थीं, जिसका सुराग 1.5 साल बाद लगा। इन 6 हत्याओं का दोषी सेलिना खान का तीसरा पति परवेश टाक था। उस पर मई महीने की शुरुआत में आरोप सिद्ध हो गया था। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 24 मई को अंतिम बहस के बाद परवेश टाक को अदालत की ओर से सजा दी जा सकती थी। परवेश टाक को उम्र कैद मिलती है या फांसी, इसी फैसले का इंतजार कोर्ट रूम में मौजूद सभी लोगों को था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन बलवंत पवार अपने चैम्बर में आ चुके थे। अदालती कार्रवाई देखने के लिए कोर्ट रूम पूरी तरह भर गया था। कोर्ट रूम में पाव रखने की भी जगह नहीं बची थी। इनमें सेलिना खान के दोनों पति और परवेश टाक के बीवी बच्चे तथा बूढ़ी माँ भी थी। परवेश टाक कोर्ट के कटघरे में सिर झुकाकर खड़ा था। वह पहले से ही शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। जज महोदय ने अदालत की कार्रवाई शुरू करने का इशारा किया तो परवेश टाक के वकील ने उठकर कोर्ट दुरुस्त करते हुए झुककर जज साहब को अभिवादन किया। फिर परवेश टाक के पास पहुंचकर बहुत सधे हुए शब्दों में कहना शुरू किया, मिलाड, मेरा मुवक्किल परवेश टाक दुबला पतला 1.5 पसली का इंसान है। इस पर पुलिस ने 6 हत्याओं का दोष मढ़ा है। आप ही बताइए कि यह 6 लोगों की हत्याएं कैसे कर सकता है। यह तो मिलाड, विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने अपनी जगह से उठकर बचाव पक्ष के वकील की बात काटते हुए कहा, एक दुबला पतला व्यक्ति किसी की हत्या नहीं कर सकता, ऐसा कोई उदाहरण इतिहास में नहीं है। जब आदमी पर जुनून और क्रोध सवार होता है तो वह कुछ भी कर सकता है। फिर यह अकेला कहां था, उस वक्त इसका साथ सिक्योरिटी गार्ड शाकिर वाणी ने दिया था जो फरार चल रहा है। मिलाड, बचाव पक्ष के वकील ने कहा, मेरे मुवक्किल पर जिन 6 लोगों की हत्याओं का दोष मढ़ा जा रहा है उसका कोई प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाह पुलिस के पास नहीं है। जिस वक्त ये 6 हत्याएं हुई मेरा मुवक्किल 8 फरवरी को इगतपुरी में नहीं था, वह मुंबई में था। एडवोकेट उज्जवल निकम ने पूछा, परवेश टाक 8 फरवरी को इगतपुरी फार्म हाउस में नहीं था, इसका कोई ठोस सबूत है आपके पास? नहीं, बचाव पक्ष के वकील ने इनकार में सिर हिलाया। मिलाड, मेरे काबिल दोस्त के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि 8 फरवरी को रात में 6 लोगों के कत्ल किए गए, परवेश टाक वहां इगतपुरी में नहीं था। कुछ क्षण के लिए खामोश होने के बाद उज्जवल निकम बोले, यह 8 फरवरी की रात को इगतपुरी के फार्म हाउस में मौजूद था। मिलाड, इसने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ थाने के पुलिस अफसर को बताया है कि 8 फरवरी की रात उसने मुंबई के इगतपुरी के फार्म हाउस में पत्नी बच्चों सहित 6 जनों की हत्या कर शव वहीं दफना दिए। यह 6 निर्दोष इंसानों के कत्ल का दोषी है मिलाड। कुछ क्षण रुकने के बाद उन्होंने आगे कहा, मेरे अजीज दोस्त सरकारी वकील श्री पंकज रामचंद्र चौहान शुरू से इस केस की पैरवी करते आए हैं। आज बेशक वह रेस्ट पर हैं, लेकिन उन्होंने पिछले दिनों कोर्ट में यह साबित कर दिया था कि सेलिना खान और उसकी बेटियां, बेटा और भतीजी का हत्यारा परवेश ही है। कुछ क्षण रुककर उन्होंने फिर कहना शुरू किया, बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना खान ने अपनी संपत्ति की पावर ऑफ अटोर्नी अपने पूर्व पति आसिफ शेख के नाम लिखवा दी थी। सेलिना की इस बात से परवेश टाक चिढ़ गया था। इसको आसिफ शेख जरा भी पसंद नहीं था। 6 हत्याएं करने के बाद यह इगतपुरी से भागकर किश्तवाड़ में अपने गांव बौंजुआ पहुंचा। यह अपने साथ लैला खान की कीमती कार आउटलैंडर भी ले गया था।
उसे इसने लावारिस छोड़ा तो इसी चक्कर में फंस गया। इसने बड़ी बेरहमी से उन लोगों का खून किया है जो इसे रिश्ते में अपना मानने लगे थे। यह सेलिना खान का पति था तो लैला खान और उसके भाई बहनों का सौतेला पिता भी था। इसने रिश्तों और विश्वास का खून किया है, इसलिए मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि परवेज टाक को फांसी की सजा दी जाए। That's all। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माननीय जज महोदय सचिन बलवंत पवार ने अपना फैसला सुनाया। सभी गवाहों और परिस्थितिजन्य साक्ष्य देख लेने और सुन लेने के बाद यह जाहिर हो गया है कि परवेज टाक ने जघन्य गुनाह किया है। यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है, इसलिए आईपीसी की धारा 302 हत्या के तहत परवेज टाक को फांसी की सजा दी जाती है। शवों को छिपाने और सबूत नष्ट करने का गुनाह भी इसने किया है, इसके लिए इस पर आईपीसी की धारा 201 लगाई जाती है, जिसके तहत सश्रम 7 साल की सजा और ₹10,000 का आर्थिक दंड देना होगा। सजा पूरी होने पर इसे फांसी दे दी जाए। न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद अदालत के कटघरे में खड़ा परवेज टाक स्तब्ध खड़ा रहा। उसके चेहरे पर उदासी के भाव छा गए। जज साहब के उठकर चैम्बर में चले जाने के बाद पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया और कोर्ट रूम से बाहर की तरफ लेकर जाने लगे तो मुजरिम परवेज टाक ने धीमे से कहा, मैं अपनी बीवी बच्चों और माँ से मिलना चाहता हूँ। परवेज टाक की माँ, बीवी और 3 बेटियाँ उस वक्त अदालत के कक्ष में मौजूद थीं। परवेज टाक को उसके परिवार के पास लेकर आ गए। परवेज टाक ने अपनी माँ को नम आंखों से देखा, उसके होठ कांपे, मेरे बच्चों का ध्यान रखना माँ, मैं अब लौट कर नहीं आऊंगा। परवेज टाक की बूढ़ी माँ की लरजती आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने परवेज टाक को अपनी बाहों में समेट लिया, गले लगाकर वह फूट फूट कर रोने लगी। कुछ क्षण बाद उसने परवेज टाक को कंधे से हटाकर उसका माथा चूमा और चेहरा घुमा लिया। परवेज टाक अपनी बीवी की तरफ पलटा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मेरी बेटियों की अच्छी परवरिश करना। इसके बाद उसने बीवी का हाथ पकड़कर हथेली को चूमा और फिर तीनों बेटियों के सिर पर हाथ रखकर उसने चेहरा घुमा लिया। परवेज टाक अपनी बीवी की तरफ पलटा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मेरी बेटियों की अच्छी परवरिश करना। इसके बाद उसने बीवी का हाथ पकड़कर हथेली को चूमा और फिर तीनों बेटियों के सिर पर हाथ रखकर उसने चेहरा घुमा लिया। वह उन 6 हत्याओं का दोषी तो था ही जो उसने की थीं, 5 लोगों का भी गुनहगार था जिन्हें बीच मझधार में छोड़कर वह जा रहा था। इनसे नजरें मिलाने की उसमें ज्यादा हिम्मत नहीं बची थी। इस छोटी सी मुलाकात के बाद पुलिस के साथ वह कोर्ट से बाहर आ गया और कैदियों की वैन में चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद ही वैन उसे लेकर मुंबई की आर्थर रोड जेल की तरफ रवाना हो गई। कौन है परवेज टाक और उसने 6 लोगों का मर्डर क्यों किया, कौन थे मृतक, यह सब जानने के लिए घटना के अतीत में जाना होगा। मूल रूप से पाकिस्तान की रहने वाली सेलिना खान भारत में अपनी खूबसूरती को भुनाने के लिए आई थी। इसकी सही कदर फिल्म इंडस्ट्री में हो सकती है, यह सोचकर उसने कई स्टूडियो के चक्कर काटे तो कुछ फिल्मों में उसे छोटे मोटे रोल मिलने लगे। इनसे ना शोहरत मिल सकती थी और ना शानो शौकत भरी जिंदगी। कुछ वर्षों बाद सेलिना खान ने आसिफ शेख से निकाह कर लिया। आसिफ शेख धनी आदमी था, सेलिना खान को उससे हर सुख मिला, लेकिन उसकी शेख से ज्यादा समय तक नहीं पटी। सेलिना खान ने उसे छोड़ दिया और नादिर शाह पटेल को शौहर बना लिया। लैला खान इसी नादिर शाह पटेल की बेटी थी। सेलिना खान को यह शौहर भी नहीं भाया, फिर उससे भी अलग हो गई। अब सेलिना खान की जिंदगी में जिस व्यक्ति ने कदम रखा वह परवेज टाक था। परवेज टाक जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ का निवासी था, वह वहां वन ठेकेदारी करता था। सेलिना खान से निकाह होने के बाद वह मुंबई में सेलिना खान के साथ ही रहने लगा। 4 बच्चों की मां सेलिना खान की रेशमा पटेल लैला खान बड़ी बेटी थी जो अब जवान हो गई थी। अपनी मां सेलिना खान की तरह लैला खान भी बहुत सुंदर थी, उसका एक एक अंग सांचे में ढला प्रतीत होता था।
जब वह पैदा हुई थी उसका नाम रेशमा पटेल रखा गया था। वह नादिर शाह पटेल की बेटी थी। परवेज टाक उसका सौतेला पिता था। रेशमा पटेल यानी लैला खान उसे पसंद नहीं करती थी। चूंकि वह उसकी माँ सेलिना खान का शौहर था इसलिए वह मजबूरी में उसके साथ रह रही थी। रेशमा पटेल को मालूम था उसकी माँ की फिल्मी दुनिया में अच्छी जान पहचान है, वह कुछ फिल्मों में काम भी कर चुकी है, इसलिए उसने भी अपनी किस्मत फिल्मी दुनिया में आजमाने की कोशिश शुरू कर दिया। सेलिना खान ने बेटी की फिल्मों की तरफ रुचि देखकर कुछ पुराने जान पहचान वालों से बात किया। उन्होंने सेलिना खान को आश्वासन दिया कि वह रेशमा पटेल को फिल्मों में चांस देंगे। रेशमा पटेल दिन भर फिल्मी स्टूडियो के चक्कर काटती थी। उसकी खूबसूरती देखकर कन्नड़ फिल्म के एक प्रोड्यूसर ने उसे अपनी कन्नड़ फिल्म में चांस दे दिया। यह फिल्म थी मेकअप, जो सन 2002 में बनाई गई थी। मेकअप फिल्म खास नहीं चली। इससे रेशमा खान को कोई पहचान नहीं मिल पाई। इसके बाद सन 2008 में रेशमा पटेल को हिंदी फिल्म में चांस मिला। फिल्म का नाम था वफा, ए डेडली लव स्टोरी। यह फिल्म उस वक्त के सुपरस्टार अभिनेता राजेश खन्ना के साथ थी। इस फिल्म से रेशमा पटेल को एक नया नाम मिला, लैला खान। लैला खान को एक जाने पहचाने अभिनेता राजेश खन्ना के साथ फिल्म करने की वजह से पहचान मिल गई। वह लैला खान के नाम से मशहूर हो गई। लैला खान फिल्मी सफर पर चल निकली तो उसकी माँ सेलिना खान ने राहत की सांस लिया। उसे अब बेटी के भविष्य की चिंता नहीं थी। सेलिना खान रंगीन मिजाज महिला थी। तीसरी शादी करने के बाद भी उसका अपने पहले पति आसिफ शेख के साथ घनिष्ठ रिश्ता कायम था। आसिफ शेख उसके पास जब तब मिलने चला आता था। यह बात सेलिना खान के तीसरे पति परवेज टाक को पसंद नहीं थी। वह आसिफ शेख से नफरत करता था क्योंकि आसिफ शेख हर मामले में परवेज टाक से 21 था। एक दिन परवेज टाक ने अपनी बीवी सेलिना खान से पूछा, यह आसिफ शेख यहाँ क्यों आता है? सेलिना खान ने उसे घूर कर देखा, फिर कंधे झटक कर बोली, यह पूछने वाले तुम कौन होते हो? परवेज टाक ने फुफकार कर कहा, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। शौहर उसे कहते हैं जो शौहर का फर्ज पूरा करता है। तुम मेरे या मेरे बच्चों के लिए क्या कर रहे हो? परवेज टाक बोला, सेलिना मेरे पास जो था वह मैं सब तुम पर पहले ही लुटा चुका हूँ। अब मैं कश्मीर में नहीं, यहाँ मुंबई में हूँ। तुमने मुझे अपनी जरूरत के लिए यहाँ रखा है तो मुझ पर खर्चा भी तुम्हें ही करना होगा। समझी? सेलिना बोली, समझ रही हूँ। तुम खाना खाओ और सो जाओ। लैला खान उन दिनों राखी सावंत के भाई राकेश सावंत की एक फिल्म जिन्नत में काम कर रही थी। फिल्मों से शोहरत मिलने के कारण लैला खान चर्चा में थी। उसको मुनीर नाम के युवक से प्यार हो गया था। थोड़े दिन मुनीर से प्यार कर लेने के बाद लैला खान ने उससे शादी कर लिया। लेकिन उसके नसीब में मुनीर का संग नहीं था। मुनीर प्रतिबंधित बांग्लादेशी संगठन हरकत उल जिहाद अल इस्लामी से जुड़ा हुआ था। एक दिन उसे बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी ने पकड़ लिया और बांग्लादेश ले गई। लैला खान के दिल पर इससे गहरा आघात लगा। वह परेशान रहने लगी। उधर उसकी माँ सेलिना खान अपने तीसरे पति परवेज टाक से परेशान थी। परवेज टाक लैला खान के फिल्मी संबंध से काफी नाराज था। उसका कहना था कि यह फिल्मी लाइन काफी बदनाम और गंदी है। लैला खान फिल्मों से नाता तोड़ ले और अपनी दोनों बहनों अजमीना और जारा को लेकर दुबई चली जाए। दुबई में वह किसी शेख के पास रहेगी तो लाखों रुपया मिलेगा, जिससे सभी खुशहाल हो जाएंगे। सेलिना खान अपनी बेटियों को शेखों के सामने नहीं ढकेलना चाहती थी। वह परवेज टाक की इस बात का विरोध करती रहती थी, जबकि परवेज टाक लैला खान, अजमीना और जारा की जवानी को दुबई में कैश करने के लिए पूरा जोर लगा रहा था। इसी बात पर सेलिना खान, लैला खान और उसकी दोनों बहनें काफी तनाव में रहने लगी थीं। इस तनाव से मुक्ति पाने के लिए लैला खान ने फरवरी में मुंबई से इगतपुरी जाने का मन बना लिया। इगतपुरी मुंबई से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर उनका फार्म हाउस था। लैला खान ने अपने काम से छुट्टियां ले लीं और अपनी माँ सेलिना खान, बहन अजमीना,
जारा, भाई इमरान और कजिन बहन रेशमा को साथ लिया और छुट्टियां बिताने के लिए ईदपुरी के फार्म हाउस में रहने आ गई। यहां आकर उसे काफी सुकून मिला, लेकिन जल्दी ही परवेज टाक भी ईदपुरी आ गया, जिससे उसकी खुशियों में खलल पड़ गई। फिल्म जिन्नत की शूटिंग चल रही थी, लेकिन लैला खान सेट पर नहीं पहुंची थी, तो राकेश सावंत ने लैला को कई बार फोन किया, लेकिन लैला खान का फोन हर बार स्विच ऑफ आ रहा था। काफी देर ट्राई कर लेने के बाद राकेश सावंत अपनी गाड़ी लेकर लैला खान के बंगले की ओर रवाना हो गया। जिन्नत फिल्म का सेट तैयार था, उस सेट पर लैला खान की मौजूदगी जरूरी थी। लैला खान के ना आने से राकेश को लाखों रुपए की चपत लग सकती थी। यही कारण था कि राकेश सावंत लैला खान को लाने उसके बंगले पर पहुंच गया। वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड राकेश सावंत को पहचानता था। उससे राकेश सावंत ने लैला खान के विषय में पूछा तो उसने बताया कि मालकिन अपनी माँ तथा भाई बहनों के साथ ईदपुरी फार्म हाउस छुट्टियां बिताने गई हुई है। उसने ईदपुरी फार्म हाउस का पता दे दिया। राकेश सावंत उसी वक्त ईदपुरी के लिए निकल गया। ईदपुरी में लैला खान के फार्म हाउस पर उन्हें लैला खान का सौतेला पिता परवेज टाक मिला। परवेज टाक ने बताया कि उसकी पत्नी सेलिना खान अपनी पूरी फैमिली को लेकर दुबई चली गई है। दुबई में वे कहां गए हैं, वहां का संपर्क सूत्र या एड्रेस मुझे बताएं। दुबई में मेरी पहचान के लोग हैं, उन्हें भेजकर मैं लैला खान से संपर्क कर लूंगा। मुझे नहीं मालूम सेलिना खान कहां है। दुबई पहुंचकर उसने मुझसे फोन करके कुछ कहने सुनने की भी जरूरत नहीं महसूस की है। मुझे सेलिना खान और बच्चों की बहुत फिक्र हो रही है सावंत साहब, राकेश सावंत ने परेशान होते हुए कहा। ओ, यह तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। मेरा फिल्म का सेट लगा पड़ा है, लैला खान नहीं लौटी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, परवेज टाक मायूसी से बोला। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता सावंत साहब, मैं खुद परेशान हूँ। राकेश सावंत के लिए वहाँ रुकना बेकार था। वह मुंबई लौट आया। राकेश सावंत को मालूम था कि लैला खान की माँ सेलिना खान ने पहली शादी आसिफ शेख और दूसरी शादी नादिर शाह पटेल से की थी। नादिर शाह पटेल ही लैला खान का बायोलॉजिकल पिता था, इसलिए दुबई में लैला खान कहाँ जाकर ठहरी है, यह बात नादिर शाह को मालूम हो सकती है। राकेश सावंत ने तुरंत नादिर शाह से फोन पर बात किया और लैला खान के विषय में पूछा। उसने नादिर शाह पटेल को यह भी बताया कि लैला खान की तलाश में वह उसके मुंबई वाले बंगले और ईदपुरी फार्म हाउस पर होकर निराश लौट आया है। सेलिना खान के तीसरे पति परवेज टाक का कहना है कि सेलिना खान अपनी बेटियों और बेटे के साथ दुबई चली गई है। नादिर शाह पटेल बेशक सेलिना खान से तलाक के बाद अलग रह रहा था, लेकिन वह अपनी बेटी लैला खान से हमेशा बातचीत करता रहता था। उसे लैला खान के बारे में चिंता हुई तो वह सब कुछ भूलकर लैला खान की तलाश में निकल गया। हर तरह से उसने 2-3 दिनों तक इधर उधर भाग दौड़ करके लैला खान, उसकी माँ सेलिना खान और भाई बहनों के बारे में मालूम करने की कोशिश किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। हार कर वह ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंच गया और वहां सेलिना खान तथा उसकी बेटियों लैला खान, जारा, अजमीना और बेटे इमरान की गुमशुदगी दर्ज करवा दिया। शक में उसने आसिफ शेख और परवेज टाक का नाम लिखवाया था। लैला खान फिल्मी जगत में जानी पहचानी अभिनेत्री थी, इसलिए पुलिस सभी का पता निकालने के लिए तुरंत हरकत में आ गई। पुलिस ने आसिफ शेख को उसके घर से हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ की गई, लेकिन आसिफ शेख किसी भी रूप में संदिग्ध नहीं निकला। पुलिस ने उसे छोड़ दिया और ईदपुरी फार्म हाउस का रुख किया। वहां अकेला परवेज टाक रह रहा था। उसने पुलिस को वही कहानी बताई जो राकेश सावंत को बता चुका था। पुलिस ने हर तरह से सेलिना खान और उसके बच्चों की तलाश किया, लेकिन उनके बारे में कोई भी सुराग जुटाने में नाकामयाब रही। यह जांच 2-3 महीने चली। कुछ पता न चलने पर पुलिस ने यह फाइल बंद कर दिया। सेलिना खान, उसकी बेटी लैला खान, अजमीना, जारा और बेटे इमरान के साथ एक कजिन बेटी रेशमा को लापता हुए 1.5 साल हो गया था। उन्हें जमीन निगल गई थी या आसमान खा गया था, कुछ पता नहीं था।
मुंबई पुलिस खामोश बैठ गई थी। लेकिन 7 फरवरी 2011 में लापता हुआ इस परिवार का 8 जुलाई 2012 को सनसनीखेज खुलासा हुआ। दरअसल एक आपराधिक मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने परवेज टाक को पकड़ा तो उसके पास लैला खान की 2 महंगी कारें मिली। बौंजुआ थाने के डीएसपी हेडक्वार्टर अबरार चौधरी ने इससे पूछा कि इतनी महंगी कार उसके पास कहां से आई, तो यह कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। जब मार पड़ी तो इसने बताया कि वह इगतपुरी में 6 कत्ल करके यहां आया है। यह कार लैला खान की है। किश्तवाड़ पुलिस ने इसे जब महाराष्ट्र पुलिस के हवाले किया तो इन 6 हत्याओं का रहस्य खुला। तब जम्मू कश्मीर पुलिस ने परवेज टाक को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा परवेज टाक से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने फरवरी 2011 में ही इगतपुरी के फार्म हाउस में सेलिना खान और उसके बच्चों की हत्याएं कर दी थीं। फिर 6 लाशें उसने फार्म हाउस में ही गड्ढा खोदकर दफन कर दी थी। मुंबई पुलिस ने उसकी निशानदेही पर फार्म हाउस में खुदाई करवाई तो गड्ढे से 6 कंकाल बरामद हो गए। परवेज टाक से इनके बारे में पूछा गया तो उसने इनके नाम सेलिना खान, लैला खान, अजमीना, जारा, इमरान और कजिन रेशमा बताए। इन कंकालों के ऊपर कपड़ों के अवशेष, हाथ में कंगन, अंगूठियां मिली। इन्हें कब्जे में लेकर शवों को डीएनए जांच के लिए भेजा गया। इस जांच से मालूम हुआ कि इनमें 5 फीमेल और 1 कंकाल मेल का है। यह सब आपस में एक ही परिवार से हैं। परवेज टाक से ये हत्याएं करने का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि वह सेलिना खान का पति था, लेकिन सेलिना खान ने उसे प्यार में इसलिए फांसा कि मैं 35 साल का जवान था, सेलिना खान की सेक्स पूर्ति मैं कर सकता था। इसके बाद भी सेलिना खान अपने पहले पति आसिफ शेख से मेलजोल रखती थी। यह परवेज टाक को पसंद नहीं था। इसके अलावा उसने आसिफ शेख के नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी भी बनवा दी थी। वह सब कुछ आसिफ शेख को सौंपकर दुबई चली जाना चाहती थी। परवेज सोचता था कि ये सब दुबई चले जाएंगे तो वह अकेला रह जाएगा। उसे फाके मिले मैं यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने पहले ही योजना बना ली थी कि सेलिना खान को वह सबक सिखाएगा। परवेज टाक किश्तवाड़ अपने गांव गया। वहां से अपनी पहचान के व्यक्ति शाकिर वाणी को लाकर इगतपुरी के फार्म हाउस पर चौकीदार रख दिया। पहले वाले चौकीदार की उसने छुट्टी कर दी थी। 7 फरवरी 2011 को जब लैला खान अपनी माँ और भाई बहनों के साथ इगतपुरी में छुट्टियां बिताने आई तो 3 दिन बाद ही परवेज टाक की आसिफ शेख और प्रॉपर्टी को लेकर सेलिना खान से गर्मा गर्म बहस हो गई। गुस्से में परवेज टाक ने सेलिना खान को रॉड से पीटना शुरू किया। वह चीखने लगी तो ऊपर के फ्लोर पर पार्टी कर रही लैला खान, उसकी तीनों बहनें और भाई इमरान नीचे आ गए। रॉड की मार से सेलिना खान के प्राण निकल गए थे। ये सब इस मर्डर के गवाह बन सकते थे, इसलिए परवेज टाक ने शाकिर वाणी की मदद से सभी को मौत के घाट उतार दिया। फिर इन लाशों को गड्ढा खोदकर फार्म हाउस के कोने में दफन कर दिया। सबूत मिटाने के लिए उसने फार्म हाउस का वह हिस्सा जला दिया जहां हत्याएं की गई थीं। परवेज टाक कुछ दिन यहीं फार्म हाउस में रहा, फिर लैला खान की दोनों कारें लेकर किश्तवाड़ चला गया। लेकिन 1 साल बाद एक अपराध में जम्मू कश्मीर पुलिस ने परवेज टाक को पकड़ा और कारों के द्वारा शक होने पर उसे मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया। शाकिर वाणी फरार था। अपराध शाखा उसकी तलाश में लग गई। परवेज टाक को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया। केस की जांच करने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। मामला 13 सालों तक कोर्ट में चला। जघन्य हत्याओं का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, किंतु परवेज टाक की इगतपुरी में मौजूदगी, वहां उसकी 18 फरवरी से हत्या होने के बाद तक की फोन लोकेशन का होना, रॉड खून सने चाकू का मिलना और अन्य मजबूत साक्ष्य पुलिस ने जुटा लिए थे। फिर सरकारी वकील उज्जवल निकम तथा पंकज रामचंद्र चहवण की सूझबूझ भरी पैरवी ने कोर्ट में 42 गवाह पेश किए। इन्हीं सबूतों के आधार पर 24 मई
2024 को मुंबई के सत्र न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन बलवंत पवार ने बॉलीवुड की उभरती कलाकार लैला खान और उसके चार भाई बहन तथा मां सेलिना खान की हत्या पर फैसला सुनाया। मुंबई की सेशन कोर्ट ने एक्ट्रेस लैला खान और उनके परिवार की हत्या के मामले में दोषी सौतेले पिता परवेज टाक को मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में परवेज टाक को हत्या और सबूतों को नष्ट करने का दोषी पाया था। सरकारी वकील पंकज चव्हाण ने इस मामले को दुर्लभतम बताया था और दोषी परवेज को मौत की सजा दिए जाने की मांग की थी। फैसला सुनाए जाने के बाद पुलिस ने मुजरिम परवेज टाक को आर्थर रोड जेल पहुंचा दिया।